वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार जीत दर्ज कर टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली है। एंटीगुआ में खेले गए तीसरे वनडे में भारत ने पहले बल्लेबाजी करत हुए निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 251 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम 38.1 ओवर में महज 158 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह भारत ने 93 रन से यह मैच जीत लिया। भारत की जीत के शिल्पकार रहे महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने आखिरी के ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। धोनी 79 गेंदों पर 78 रन बनाते हुए नाबाद लौटे। यह मुश्किल पिच थी, जहां रन बनाना कितना मुश्किल था इसका ताजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारतीय बल्लेबाजों ने पहले 40 ओवर में 151 रन ही जुटा पाए थे। यह तो धोनी और उनका साथ निभाने वाले केदार जाधव का कमाल रहा कि आखिरी के 10 ओवर में 100 रन बन गए। केदार जाधव ने 26 गेंदों पर ताबड़तोड़ नाबाद 40 रन बनाए। उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का जड़ा। वहीं धोनी ने अपनी पारी में 4 चौके और 2 छक्के मारे। नाबाद 78 रन। वेस्टइंडीज की जमी पर धोनी का दूसरा उच्चतम स्कोर इंटरनेशनल मैच है। इससे पहले 2009 में उन्होंने किंगस्टन वनडे में 95 रन की पारी खेली थी। धोनी ने इस मैच में 2 छक्के भी जड़े। अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वालों की लिस्ट में वे 5वें पायदान पर पहुंच गए हैं। सबसे ज्यादा छक्के शाहिद अफरीदी के नाम है।